बड़ी बात में सबसे पहले बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी गईं। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठी चार्ज कर खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज अनिल कुमार से कहा सुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। जज और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जज ने फोन करके पुलिस और पीएसी बुलाई। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्टरूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इसमें कई वकीलों को चोट भी आई है। फिलहाल कोर्ट में तनाव का माहौल है। कई थानों की पुलिस और पीएसी को कचहरी में लगाया गया है जिससे कानून व्यवस्था खराब ना हो जाए। इसी खबर पर बात करने के लिए हम चलेंगे अनिल चौधरी। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अनिल, आखिर झगड़े का कारण क्या था और झगड़ा ये हुआ उसके बाद की स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वकील और अनिल यादव जो जज हैं उनके बीच में कुछ बातचीत चल रही थी। एक केस को लेकर गृह चल रही थी क्योंकि जो नाहर सिंह है उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि जो केस चल रहा है एक जमीन का विवाद था उसको लेकर ये दूसरे जज पर ट्रांसफर करना चाहते थे, पर जो जज है डिस्ट्रिक्ट जज उनकी तरफ से ये नागरिक और ये जो है डाइस से नीचे आ गए और ये धीरे धीरे कहा सुनी होते होते बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर उतर आई और तभी जज के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस द्वारा वकीलों को समझाया गया पर वकील समझने को तैयार नहीं थे। तभी जो है कुछ वकील जो है कुर्सियां लेकर अंदर आ गए, तोड़ फोड़ करने शुरू कर दिया। पूरे कचहरी में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लगातार लोग जो है कुर्सियां फेंक रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। इस तरह के पूरे हालात बने हुए थे जिसको पुलिस ने काबू करने के लिए लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई। तभी वकीलों को और भी सूचना मिली तो इसके बाद जैसे ही वकीलों को सूचना मिली कि वकीलों के साथ मारपीट हुई है तो काफी तादाद में वकील और ज्यादा वहां पर पहुंचे और जो चौकी है उसमें भी उनके द्वारा आगजनी तोड़फोड़ जो है की गई और इसके बाद पुलिस लगातार अब गश्त कर रही है। पुलिस की तरफ से पीएसी की भी सूचना दी गई थी, वो भी तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल मामला अंडर कंट्रोल है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि चीजें शांत बताई जा रही हैं, लेकिन अनिल सबसे बड़ी बात है कि चाहे कहीं भी दंगा हो, बलवा हो, अपराध हो, मारपीट की घटनाएं हो और वो सारे मामले अदालत में आते हैं। अदालत में आकर जज सुनवाई करता है और कैसे इन चीज़ों का निराकरण किया जाए, किसे क्या न्याय दिया जाए, लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। अदालत में, जिला अदालत में ये घटना हुई है, कुर्सियाँ फेंकी गई हैं, मारपीट हुई है और इसके साथ साथ यहाँ और कोई फरियादी नहीं है, कचहरी में जज साहब ही फरियादी है। आपने सही कहा, जब जज के साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई है और वाकई ही बड़े सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पे भी, आखिरकार किस तरीके का कानून व्यवस्था गाजियाबाद में चल रही है क्योंकि जज जो है एक बड़े ओहदे पर होते हैं और कानून की वो दलील सुन रहे थे और दलील को जब कोई सुनने को तैयार नहीं होगा तो लोगों का कानून से विश्वास भी हट जाएगा क्योंकि इस तरीके की जो कृत्य सामने आया है वकीलों द्वारा जो हंगामा किया गया है वाकई ही निंदनीय है और परेशान करने वाला है क्योंकि जो अब जो पुलिस है पुलिस की तरफ से भी अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से जो है जो सीसीटीवी आसपास के लगे थे उनको चिन्हित किया जा रहा है और उसमें लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। उन पर वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी भी अब जो है पुलिस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से और ये लोगों को समझाया भी जा रहा है कृपया कानून को अपने हाथ में न ले, कोई भी समस्या है तो उसकी शिकायत की जा सकती है, बैठकर बात हो सकती है पर इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि चौकी में तोड़फोड़,
जज के साथ बदसलूकी, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल का, विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे कि गाजियाबाद जिला अदालत में आखिर क्या क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं।